हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पिरिकल ज्ञान। आज की ये वीडियो YMCA फरीदाबाद में काउंसलिंग से रिलेटेड है और आप सभी जानते हैं कि YMCA फरीदाबाद में अभी UG एडमिशन्स के लिए काउंसलिंग चल रहा है और UG कोर्स में जो एडमिशन हो रहा है उसमें BTech कोर्स शामिल नहीं है। तो अगर कोई BTech कोर्स में एडमिशन लेने वाला स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो BTech में एडमिशन से रिलेटेड जब नोटिस आएगा और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे तो वो आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आज की ये वीडियो BTech एडमिशन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली ये वीडियो आप लोगों के डाउट्स के ही बेस पे बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे काउंसलिंग से रिलेटेड, तो इसी को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मैंने काफ़ी सारे जो आप लोगों ने डाउट्स पूछे वो सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हो तो शायद इस वीडियो में आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा था कि अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो वहाँ पे लिस्ट आई है, सॉरी जो नोटिस आई है वहाँ पे, उसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो सेकेंड और थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली मैंने जो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई तो दे दिया है, लेकिन अगर आपका डाउट फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो वो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि जो वो नोटिस में जो वो लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो वो सेकेंड राउंड की भी काउंसलिंग में और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, फर्स्ट काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप फर्दर सेकेंड या थर्ड राउंड में क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था तो सेकेंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर ले, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये जो वो नोटिस में जो लिखा गया है वो उन स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है और वे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको सबसे पहले तो आपको अच्छे से चेक करना है 2-3 बार कि नाम आया है कि नहीं आया है, और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट नेक्स्ट अभी सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाली है तो हो सकता है कि उसमें आपका नाम आए। बाकी आप कट ऑफ भी चेक कर लें, कट ऑफ भी आपको उसी मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाया गया है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर लें कि आपके कोर्स के लिए कट ऑफ कितना गया है। उससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाली मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि अगर पर्टिकुलर ये डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। तो देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के टाइम जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है उस डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकती कि आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो काउंसलिंग हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि YMCA में जो हेल्पलाइन नंबर है उससे आपको जो है कॉन्टेक्ट करना है और उनसे पूछना है। जो भी आपको डाउट हो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और उनसे पूछें। अब अगर आपका ये डाउट आता है कि हेल्पलाइन नंबर कहाँ से ले, तो देखिए, जो नोटिस आया था जिसमें आपको काउंसलिंग के बारे में बताया गया था, नोटिस रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ UG कोर्सेज, तो ये जो नोटिस है इस पे आप इस नोटिस को अगर आप देखेंगे, जो ये इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को आप देखेंगे तो इसमें ही आपको जो है हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आपको एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डाउट आप उन लोगों से, जो काउंसलिंग कंडक्ट करा रहे हैं उनसे अगर ये पूछेंगे तो वो लोग काफ़ी अच्छे से क्लियर कर देंगे। जो भी आपका डाउट है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं।
तो आप वो इंस्ट्रक्शन, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइए और वहाँ से आप जो है हेल्पलाइन नंबर देखिए और वहाँ पे आप कॉल करके पूछिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कि आपके पास पर्टिकुलर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो इससे रिलेटेड आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी काउंसलिंग चल रही है अभी YMCA फरीदाबाद में UG एडमिशन के लिए, तो उससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ डाउट आते हैं और जिसका इंस्टेंट रिप्लाई देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी इंस्टेंट नहीं देख पाती हूँ, तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ये डाउट आपको अभी तुरंत क्लियर करना है तो प्लीज़ आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और आप जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती हूँ उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग एक बार उस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ लें। हो सकता है कुछ और इन्फॉर्मेशन हो जो आपको मिल जाए और साथ ही साथ वहाँ से आपको जो है हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा, वहाँ से जाके आप पूछ सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो इंस्टेंट क्लियर करना हो तो आप हेल्पलाइन नंबर से क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन होगा कि आप इंस्टेंट क्लियर करें अपने डाउट को। हो सकता है मैं कमेंट कमेंट आप लोगों का देर में देखूं और उस टाइम तक आप लोगों को रिप्लाई ना मिले और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहें, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे उनसे पूछे, वो लोग काफ़ी अच्छे से समझा भी देते हैं और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बस यही है कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है उसमें कोई मिस्टेक ना हो, उसमें कुछ छूट ना जाए, तो आप लोग जो है हेल्पलाइन नंबर से पूछने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। मैंने सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का कोशिश किया लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं तो उन्हें मैं बताना चाहूँगी। ये जो काउंसलिंग हो रही है वो सिर्फ यूजी एडमिशन यानी कि यूजी कोर्सेज के लिए, जो पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर भी ढूंढने में प्रॉब्लम हो, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ यूजी कोर्सेस है YMCA फरीदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप उस पे जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए और पेज नंबर 4 पे आप देखेंगे कि आपको मिलेगा पेज नंबर 4 पे 11 पॉइंट में फॉर एनी क्वेरी इन दिस रिगार्ड। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग जो है नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और साथ ही साथ जनरल क्वेरी के लिए भी, एडमिशन से रिलेटेड जनरल क्वेरी के लिए भी आपको हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है। वो लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आपका हेल्प कर देंगे अगर आपको किसी भी चीज़ से यानी कि YMCA फरीदाबाद में रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। पेज नंबर 11 एंड पॉइंट सॉरी पेज नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 11, यहाँ पे आप जाइए और हेल्पलाइन नंबर वहाँ से सेलेक्ट कीजिए और क्वेश्चंस अपने आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि जो भी मेरिट लिस्ट की डेट, काउंसलिंग की डेट, जो भी डेट शीट है उसको आप नोट कीजिए और जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया है उतना डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछिए। ये मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसमें कोई भी मिस्टेक ना करें और डॉक्यूमेंट क्लियरली अपलोड करें, वो क्लियर विजिबल हो। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक और सजेशन मैं देना चाहूँगी कि जो भी आपने ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है उसे आप ऑन रखें क्योंकि हो सकता है आप लोगों के पास कॉल आए और जो भी आपको मेल आता है मेल चेक करते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। काउंसलिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से अटेंड करें, कोई भी डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछें, डाउट क्लियर करें और कोई भी मिस्टेक ना करने की कोशिश करें ताकि आपका काउंसलिंग बिल्कुल अच्छे से हो जाए। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को।
और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग इम्पीरिकल ज्ञान के वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियोस जो होती हैं वो पार्ट में आती हैं या फिर जो है सीरीज में वीडियोस चलती हैं, तो आप लोगों को कोई वीडियो आप लोग देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएंगे, इससे और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो डीएम भी कर सकते हैं। और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और डाउट आपके क्लियर होते हैं कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।